वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब। शाम हो गई है और मैं जा रही हूँ वेज आटा नूडल्स बनाने के लिए, क्योंकि मैं अभी बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे हूँ तो मैं आटा नूडल्स खा सकती हूँ। सो मैंने सोचा कि बनाऊँ शाम में, क्योंकि सुबह से बहुत कम चीज़ें खाई हैं मैंने, बहुत ज़्यादा डाइट का ख्याल रखा है। तभी लग गई इस वक्त मुझे भूख, तो मैंने सोचा कि ग्रीन टी पी लूँ और वेज आटा नूडल्स खा लूँ। तो मैं बहुत ही कम ऑयल में, मतलब ना के बराबर ऑयल में मैं इसको बनाऊँगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने कितना कम ऑयल डाला, बिल्कुल ज़रा सा। इसी ऑयल में मैंने डाल दी ज़रा सी बिल्कुल क्या प्याज, 4-5 टुकड़े। फ्रेंड्स मैंने इसमें आटा नूडल्स डाल दिए हैं और आप देखिए ये मैं फिला दूँ थोड़ा पानी, ये नूडल्स पक जाए। काफ़ी डार्क होता है जो हमारी मैदे वाली नूडल होती है, उससे काफ़ी डार्क होता है, इसको पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है गाइस। तो मैं जब से डाइट करती हूँ तो अगर मुझे नूडल खाने का दिल करता है तो मैं आटा नूडल ही खाती हूँ। आटा नूडल के मसाले में बहुत सारी वेजीज भी होती हैं। देखिए आप जैसे इसमें पीस आप देख पा रहे हैं, इसमें टमाटो होता है और दूसरे मसाले भी होते हैं, तो इस वजह से मुझे थोड़ा टेस्टी भी लगता है। सॉल्ट तो फ्रेंड्स इसमें तो नमक होता ही है, लेकिन मुझे फिर भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा नमक लगता है, मैं थोड़ा फीका नहीं खा सकती, तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगी ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा ज़्यादा नहीं वरना टेस्ट ख़राब हो जाएगा। हाँ तो फ्रेंड्स मेरे मसाले भी मिल गए हैं और मैं इसको थोड़ी देर के ढक के पकाऊँगी और उसके बाद सर्व करेंगे। फ्रेंड्स ये हो चुका है लगभग, अब इसमें थोड़ी सी ग्रेवी बच गई है सूप सा, तो मैं इस सूप को थोड़ा सा सुखा लूँगी और मैं सूप ही रखूँगी। मुझे सूपी नूडल्स बहुत पसंद है, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको नूडल्स कैसे पसंद आते हैं। तो गाइस अभी मैं थोड़ी देर में इसको खाऊँगी, सर्व करके आप लोग को दिखाऊँगी पहले और उसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये मैंने सर्व कर लिया है, ये है मेरा शाम का नाश्ता बोलिए या रात का खाना। मैं अब इसके बाद कुछ भी नहीं खाने वाली हूँ, बस ये मैंने खा लिया। अभी बज रहे 7, तो 7:30 तक का मेरा रहता है टाइम कि 7:30 तक मैं खाऊँगी। तो गाइस ये है मेरा खाना। फ्रेंड्स यहाँ पर नूडल्स हैं और सामने चल रही है टीवी एंड ये दिखा रहा था कि और साथ हो ग्रीन टी का, लेकिन मैंने ग्रीन टी नहीं बनाई, दिल नहीं चाह रहा था तो मैंने सोचा कि चाय ही पी लूँ, लेकिन मैंने उसमें शक्कर की जगह पर ये डाला है गुड़, तो साथ हो गुड़ वाली चाय का। मेरा सेंटेंस अब जाके कंप्लीट हुआ है, मतलब कि नूडल्स हो शाम को, टीवी चल रही हो और गुड़ वाली चाय, क्या ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है फ्रेंड्स। आपको क्या अच्छा लगता है ऐसा आप करके कभी देखो, बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं भी गुड़ वाली चाय मैंने देखिए फ्रेंड्स करके। और यहाँ पर मैंने इसे रख दिया था और अभी घर पे कोई नहीं था, सिर्फ अम्मी थी तो वो दूसरे रूम में बैठी हुई थी। मैं यहाँ पर मैंने टीवी चला लिया था, मैं टीवी देखते हुए आटा नूडल्स खा रही थी और खाने जा रही थी। तो गाइस ऐसा शाम का वक्त था और अभी तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं घर में और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, सुकून मिल रहा था कि बहुत दिन बाद ऐसे शांति से अकेले में बैठ के नूडल्स खाना और चाय पीना मुझे शुरू से ही बहुत पसंद है गाइस। तो बस वही कर रही थी और सोच रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी चीज़ें मिली हैं वो सब सही हैं, जो नहीं मिली है वो भी ठीक है। तो गाइस ये शाम का वक्त था और बस ऐसे ही गुजर गई शाम आज की, अच्छा था सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा। और मैं देखिए मैं बार बार स्टिर भी कर रही हूँ ताकि जो है कि जो गुड़ हो है वो अच्छी तरह से मिल जाए चाय में, फिर मैं आराम से इसको सिप ले के पी सकूँ। तो गाइस बताइएगा कि आपको आटा नूडल्स कैसा लगता है और आप एक बार गुड़ वाली चाय भी ज़रूर बना करके
पी के देखिएगा कैसी लगती है गुड़ वाली चाय। ठीक है गाइस, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।